मार्वल्स के हीरोज के तो दुनिया भर में फैंस है, या यूं कहें कि हर मोहल्ले हर गली में कोई ना कोई मार्वल्स एक्टर का फैन होगा। पर क्या आप जानते हैं कि आपका पसंदीदा एक्टर हर एक फिल्म करने के कितने रुपए चार्ज करता है, और इन सभी मार्वल्स एक्टर की कुल संपत्ति कितना है। हेलो दोस्तों, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं मार्वल्स टॉप 10 रिचेस्ट एक्टर एंड देयर नेटवर्थ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नंबर 10, क्रिस प्रैट। किसी को भी नहीं पता था कि गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी इतनी पॉपुलर होगी। क्रिस प्रैट को गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी के रोल ने पॉपुलरिटी और फेम दिया। इस फिल्म में उनकी परफॉर्मेंस अच्छी रही और फिल्म सक्सेस रही। इसके पहले क्रिस जुरासिक वर्ल्ड में रोल कर चुके थे, पर गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी ने उन्हें टॉप एक्टर की लिस्ट में शामिल किया। इनकी नेटवर्थ $40 मिलियन है। नंबर 9, जेरेमी रेनर। जेरेमी रेनर का मेन फोकस मार्वल पर नहीं रहा, मगर उनके केवल हॉकी के रोल ने उन्हें नेटवर्थ $50 मिलियन तक पहुँचाया। जेरेमी रेनर को एवेंजर्स एंड गेम और ब्लैक विडो के रोल के लिए जाना जाता है। इसके अलावा इनका मेजर रोल मिशन इम्पॉसिबल और द ब्रॉन लिगेसी में है। नंबर 8, क्रिस इवांस। क्रिस इवांस का कैप्टन अमेरिका से एंड गेम तक मेमोरेबल रोल रहा, और इसने इवांस को नेटवर्थ $50 मिलियन तक ग्रो करने में हेल्प किया। इवांस को लोग कैप्टन अमेरिका में किए गए रोल के लिए जानते हैं, मगर उन्होंने फैंटास्टिक फोर में ह्यूमन टॉर्च का रोल किया था। नंबर 7, पॉल रोड। पॉल रोड ने अपने कॉमेडी मूवीज और सुपर हीरो मूवीज में उनके चार्म और ह्यूमर ने वर्क किया, और वह इम्प्रेसिव नेटवर्थ $70 मिलियन तक पहुंच गए। पॉल रोड ने MCU के साथ दो मूवीज एंट मैन और एवेंजर्स एंड गेम में काम किया है। नंबर 6, रियान रेनॉल्ड्स। रियान रेनॉल्ड्स ने आर रेटेड मूवी डेडपूल में अपनी दमदार अभिनय से डेडपूल को किसी भी आर रेटेड मूवी के हाईएस्ट ग्रॉसिंग सक्सेस मूवी देने में मार्वल को हेल्प किया है। रेनॉल्ड्स द वॉइस ऑफ पिकाचू हेल्प्स ग्रॉस हिज नेटवर्थ टू $75 मिलियन। नंबर 5 पर है क्रिस हेम्सवर्थ, जिनकी नेटवर्थ $90 मिलियन है। क्रिस हेम्सवर्थ पहली बार टेलीविजन शो होम एंड अवे में दिखे थे, लेकिन उनकी इनक्रेडिबल जॉब देखने को मिली MCU के थॉर में। उनका रोल एक ही समय में सीरियस और कॉमेडिक टोन उनके एक्टिंग एबिलिटी को दिखाता है। हेम्सवर्थ अपने करियर में अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। नंबर 4, ब्रैडली कूपर। बहुत सारे लोगों को लगता है कि ब्रैडली कूपर MCU का पार्ट नहीं है, क्योंकि उनका फेस नहीं देखा है, मगर इनकी आवाज MCU में एक अहम हिस्सा है। द गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी में रॉकेट रकून उनकी ही आवाज है। इसके अलावा ब्रैडली कूपर एवेंजर्स फ्रेंचाइजी में भी अपियर हुए हैं। इनकी नेटवर्थ $100 मिलियन है। नंबर 3 पर है ह्यूक जैकमैन। MCU के रोल वोल्वरिन ने ह्यूक जैकमैन को नेटवर्थ $100 मिलियन तक पहुँचाने में हेल्प किया। हालांकि जैकमैन को MCU में ज्यादा चांस नहीं मिला, पर जैकमैन ने वोल्वरिन के एक्समैन के मोस्ट पॉपुलर कैरेक्टर बनने में हेल्प किया है। नंबर 2, स्कारलेट जॉनसन। स्कारलेट जॉनसन नंबर 2 पर है, जिनकी नेटवर्थ $140 मिलियन है। स्कारलेट जॉनसन हाईएस्ट रिचेस्ट एक्टर में टॉप पर है। ब्लैक विडो में उनका लीड रोल कैरेक्टर है। स्कारलेट जॉनसन हॉलीवुड की एक वेल एस्टेब्लिश एक्ट्रेस है। नंबर 1, रॉबर्ट डाउनी जूनियर, जिनकी नेटवर्थ $300 मिलियन है। मार्वल फ्रेंचाइजी की सबसे ज्यादा कमाई करने वाले एक्टर हैं रॉबर्ट डाउनी। रॉबर्ट डाउनी की इनक्रेडिबल नेटवर्थ $300 मिलियन है। रॉबर्ट डाउनी को आयरन मैन रोल के लिए जाना जाता है। इससे पहले वह अपने करियर में स्ट्रगल कर रहे थे, मगर सुपर हीरो के रोल के साथ वो टॉप वर्थ लिस्ट में शामिल हो गए। दोस्तों, ये थे मार्वल्स के टॉप 10 रिचेस्ट एक्टर्स एंड देयर नेटवर्थ। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर आप वीडियो के बारे में कुछ कहना चाहते हैं तो प्लीज़ फील फ्री टू राइट इन कमेंट बॉक्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग।